फ्रेंड्स, दिस इज निशिता पुरोहित. आई फील वेरी हैप्पी शेयरिंग विथ यू कि मेरी एम्स में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई एंड नीट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 आई. तो आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात. तो ऐसे तो आई हैव मेड मेनी वीडियोज, यू कैन फाइंड देम ऑन यूट्यूब, वेर आई डिड स्पेसिफाई ऑन हाउ टू व्हाट ऑल टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी. दिस टाइम आई वुड बी फोकसिंग ऑन सम डिफरेंट टॉपिक अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम, what should be the paper solving strategy, how can you discuss, how can you get new ways of solving papers, of solving questions. So starting with the first thing which I feel is that you should firstly get introduced yourself with your biological clock. ये चीज़ें जो है ऐसे तो लोग समझते कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, but it helps a lot if you really have to manage your time. तो जैसे सबसे पहले आपको अगर अपना टाइम एफिशिएंटली यूज़ करना है, आप ऐसा कुछ नहीं होता दैट यू शुड स्टडी इन द डे, वहाँ आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, नाइट में नहीं होता है. इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट्स हाउ यू हैव सेट इट फ्रॉम सो मेनी इयर्स. तो अभी जो है वो उसको आप रिकग्नाइज करो. जो टाइम आप सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हो, द टाइम व्हेन योर ब्रेन इज द मोस्ट रिसेप्टिव, एट दैट टाइम यू टेक द टॉपिक्स व्हिच यू फील आर क्वाइट टफ, व्हिच आर क्वाइट हैवी, व्हिच आर मोर डिमांडिंग. ऐसे टाइम पे ऐसे टॉपिक्स लेने से मतलब वो अच्छे से आप उनको पढ़ पाओगे. एट टाइम्स वी फील कि हम बोर्ड हो जाते हैं, वी कांट यू नो स्टडी मेनी थिंग्स. तो ऐसे टाइम पे रैदर देन स्पेंडिंग योर टाइम लिसनिंग टू म्यूजिक और स्लीपिंग और प्लेइंग, टू यूटिलाइज इट बेटर, ऐसे टाइम पे यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक्स विच यू लव, विच आर लाइट, द वंस यू नीड रिविजन बट यू आर क्वाइट फैमिलियर विद दैट. ऐसे टाइम पे ऐसे टॉपिक्स लो सो दैट यू कैन एफिशिएंटली यूज योर एंटायर टाइम. अदर देन दैट, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिविजन लगता है, उनको रिविजन दो. कुछ टॉपिक्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस दे दिया करो. तो इससे जो है हर चैप्टर के साथ अच्छे से जस्टिस करते हुए, टाइम देते हुए हर किसी को मैनेज करना है. फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी आती है, फर्स्टली यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद द फॉर्मेट ऑफ द पेपर. तो उसके लिए आई पर्सनली सजेस्ट दैट इफ़ यू डेली प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, बट आई वुड अगेन से कि बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द एग्जाम. सिट सेट अ टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, विच एवर एग्जाम यू आर गिविंग, कितना टाइम देना है. कुछ क्वेश्चंस निकालो एंड ट्राई सॉल्विंग देम विद द सेम एग्जाम प्रेशर, एंड देन उसके बाद यू ट्राई टू इवेल्युएट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कुड डू, हाउ मेनी वर राइट, वुड वेर यू एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, इवेल्युएट योर सेल्फ. सो इन दिस वे दिस वुड हेल्प यू गेन सम स्पीड. It will also help you to get more accuracy in solving. So, तो इससे आपको जो है जब आप पेपर दोगे फाइनल एग्जाम, यू वॉन्ट फील समथिंग न्यू कि हम कुछ नया सॉल्व करने जा रहे हैं. मतलब जैसे रोज़ पेपर देते आ रहे हैं, आज भी पेपर दे रहे हैं. अब जब पेपर की बात होती है तो जनरली लोग ऑफन एक सवाल पूछते हैं, हाउ डिड यू सॉल्व द पेपर. देर आर मेनी स्टाइल्स ऑफ सॉल्विंग अ पेपर. सम सॉल्व इट इन 2 rounds, सम सॉल्व इट इन 3 rounds. वट आई यूज टू डू वॉज आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी. I was very comfortable with that. I was confident with this subject. So when I started with biology, I could finish it very fast and very quick, and I had very few doubts in that. So isse mujhe confidence milta tha to solve the other paper too. If you try taking tough subjects which you are not very much comfortable in, if you take them first, then maybe it may happen ki tum achanak se bahut zyada stress ho jao, aur ek question solve nahi ho rahe, and that can spoil your entire paper. So to avoid doing that, you try solving papers in different formats. And try to find the one which you are most comfortable in solving. So, जैसे I solved bio first, then I solved chemistry, and then I gave a lot of time to physics because I personally made many silly mistakes in physics. So that's why I kept it at the last and tried giving it more and more time so that I could you know cut short the mistakes, the silly mistakes which I used to do. ये तो हो गई पेपर की बात. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फेल्ड इज पेपर देना कोई बड़ी बात नहीं है. आई गेव मेनी पेपर्स इन द बिगनिंग, आई मेड सो मेनी सिली मिस्टेक्स एंड आई डिडंट इवन इवेल्युएट देम. सो द क्वेश्चंस व्हेन दे वर रिपीटेड इन सम अदर टेस्ट, एट दैट टाइम आई फेल्ड कि यार मैंने उस क्वेश्चन को इवेल्युएट नहीं किया अच्छे से एंड वापस वही मिस्टेक हो गई. सो द वन गुड थिंग विच आई डिड लेटर ऑन वॉज कि जब भी आपसे कोई मिस्टेक्स होती है, प्लीज नोट देम डाउन, राइट इट, मेक अ लिस्ट ऑफ इट सो दैट यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स. ये काफ़ी इफेक्टिव वे है. इफ़ यू नो व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज फॉर दोज मिस्टेक्स, यू कैन वेरी वेल कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग एंड ब्रिंग इट क्वाइट लो. तो एक ये है. उसके अलावा जैसे जब पेपर होने के बाद हम काफ़ी फ्रेंड्स सारे हम एग्ज़ाम के बाद जो है ग्रुप में बैठ के सब जो है वो पेपर इवेल्युएट करते थे. एंड तो फिर इसमें क्या होता था, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो आप फ्रेंड से पूछते थे, और आपको अलग मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के यू गेट मेनी डिफरेंट वेज.
मतलब आपने तो एक अप्रोच लगाई, आपको और पता चला कि और कम टाइम में हाउ कुड यू सॉल्व द सेम क्वेश्चन एंड हाउ कुड यू गेट इट राइट. तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे कि आप ग्रुप में बैठ के यू इवेल्युएट थिंग्स. अदर देन दैट जैसे कुछ टॉपिक्स जो है इफ़ यू स्टडी देम बाई योर सेल्फ यू टेक लॉन्ग टाइम एंड यू कॉन्ट जस्ट अफोर्ड वेस्टिंग टाइम अलॉट. तो ऐसे टाइम पे द चैप्टर्स विच यू हैव टू स्टडी विच यू हैव टू लर्न देम ट्राई डूइंग इट इन अ ग्रुप. जैसे कोई मान लो कोई जोक क्रैक कर देता है और सम मेक न्यूमोनिक्स, तो ऐसे टाइम पे इफ़ यू हैव अ ग्रुप एंड यू हैव हेल्दी डिस्कशंस विद देम सो यू कैन रिमेंबर द सेम थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम. सो दीज थिंग्स दीज आर सम स्मॉल थिंग्स विच विल हेल्प अलॉट. लाइक आई डिडंट स्पेंड मच टाइम ऑन जीके बिकॉज आई थॉट इट वेस्टेड माई टाइम बट दैट वॉज इंट ट्रू. लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज पेपर्स वॉट वी डिड वॉज वी डिडंट एवरी डे वी डिडंट स्पेंड मच टाइम ऑन डूइंग दैट. वी मैनेज आर टाइम क्वाइट एफिशियंटली. हम सब ने क्या किया कि रोज़ कोई ना कोई कुछ पढ़ता था. वी मेंटेन्ड अ बुक ऑन द डिनर टेबल. वी यूज टू डिस्कस दैट एंड एवरी वन देन यूज टू नो एवरी थिंग. तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी जो आपको हेल्प करेंगी. उसके अलावा जैसे रिविजन में भी है कि आप रिपीटेड अगर रिविजन करते जाओगे तो यू वॉन्ट टेक मच टाइम क्योंकि आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है. ट्वेल्थ वैन यू कम टू ट्वेल्थ यू रियलाइज कि इलेवेंथ में आपने है ना बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया क्योंकि ट्वेल्थ में यू हैव टू मैनेज विद द बोर्ड्स. You have to even revise the 11th syllabus as well as you need to grasp the 12th syllabus. So, आपको बहुत सारी चीज़ें उतने ही टाइम में करनी पड़ी एंड यू विल रियलाइज कि 11th में जो थी आपकी स्पीड 12th में आते आते बढ़ती जाएगी. फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन रिवाइज कंटिन्यूस रिविजन करते रहोगे यू वॉन्ट फाइंड अ टॉपिक न्यू एंड जब आपको टॉपिक नया नहीं लगेगा यू कुड कम्प्लीट इट क्वाइट ईजिली. और जैसे है शॉर्ट नोट्स बना लिया करो. शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि यू वॉन्ट टेक मच टाइम रिवाइजिंग द सेम चैप्टर. अगर आप बार बार एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो थिंकिंग की रिविजन करना है पूरा, तो आई वुड सजेस्ट कि मैंने कभी पूरे पूरे रिविजन्स नहीं किए. जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पता है द वंस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन वाई स्पेंड सो मच टाइम अगेन एंड अगेन रिवाइजिंग द सेम थिंग्स. रादर ऐसे टॉपिक्स पर ध्यान दो विच यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट एट. तो मैं तो ये करती थी मैं नोट्स बनाती थी उन चीज़ों के जो मुझे याद नहीं रहते थे. मैनी पीपल क्या करते हैं दे मेक नोट्स ऑन द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट बट द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट दे ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड देम एंड यू नो मीन्स यू नो देम. सो इट्स बेटर मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑन द टॉपिक्स विच यू रियली फाइंड दैट यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट इवन इन द लास्ट डेज. तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने से जो है वो जल्दी क्विक हो जाता है. देन अभी से जैसे यू स्टार्ट मार्किंग इन द बुक सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स यू मीन्स हाईलाइट देम सो दैट एट द एंड मोमेंट यू डोंट हैव टू रीड द बुक अगेन एंड अगेन एंड जस्ट रिवाइज द पॉइंट्स विच यू फील informative. And then other things you can my friends have already said many things on how to read NCERT. You can read NCERT on GK. They have given many tips. All I would say is just stay focused, stay calm. All you need to do, it's not a very big deal, you know, to crack AIIMS or get into AIIMS. All you need to do is just focus on what you're taught, be alert in the class, and after that being alert in the class you have to revise a things that are done on the same day. If you do that, the synapse which generates in your brain will help you remember things till long time. So just stay calm, stay focused, enjoy your studies, and all the best.